बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस मदीहा नास, एंड टुडे आवर टॉपिक फ्रॉम समर पैक ऑफ पेज नंबर 83, डिवीजन फैक्टर्स, मिसिंग नंबर्स 1 से 12, फाइंड द मिसिंग नंबर। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर इक्वल हो सेंटर में और उसकी लेफ्ट एंड राइट साइड पे वैल्यू हो तो जो साइन हो उसका ऑपोजिट कर दिया जाता है दूसरी साइड पर जाके। अब इधर डिवाइड हो रहा है 4, तो इधर ला के मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई, तो फिर मेरा यहाँ ब्लैंक में आंसर आ जाएगा। 4 को मैं जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 4 40, अब देखें 40 को मैं 4 पर डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा। अब जैसे 72 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 9, अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके मैं डिवाइड कर दूंगी 72 को, जब 9 पर डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 8। अब है 28 डिवाइडेड बाय 7, अब फिर 28 डिवाइडेड बाय 7 आप रेफर कर लें एग्जांपल के लिए अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाएगा। अब 28 को मैंने 7 पर डिवाइड करना है, 7 के टेबल में 28 कहाँ पर आता है, 4 पे, 7 4 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 को मैं 1 पे डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2 ही। उसके बाद है डैश डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8, अब मैं किस पे डिवाइड करूँ, ये डिवाइड हो रहा है इधर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आके आएगा मेरे पास 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आएगा, 8 ही। अब डैश डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 11, अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 8 जाके आ जाएगा 88, तो 88 को मैं 8 पे डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11 ही। ठीक है, समझ आ गई। अब आपने करना है अपना नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है आपका 84। अब 84 में क्या करना है, राइट इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड इन द बॉक्स। अब आपने बताना है कि ये जितने भी बॉक्सेस आपके पास खाली नज़र आ रहे हैं इनमें मल्टीप्लाई का साइन आएगा या डिवाइड का। देखिए 9-7 इक्वल टू 63, अब मैं 9 को 7 पे डिवाइड करूँगी 63 आएगा या मल्टीप्लाई करूँगी 63 आएगा, तो आपको पता है कि 9 7 63 होता है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 8-6 इक्वल टू 48, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, 8 6 48। 54-9 इक्वल टू 6, अब आपको पता है कि डिवीजन में तो आपका आंसर हमेशा छोटी वैल्यू आती है, तो 54 को मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी 9 पे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब है 5-8 इक्वल टू 40, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 40। अब 30-6 इक्वल टू 5, ये भी स्मॉल आंसर में है, और 30 को मैं 6 पे डिवाइड करूँगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 180 आता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम। अब यहाँ पे फिर देखें 49-7 इक्वल टू 7, ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। इस तरह से आपने अपना पूरा पेज सोल्व कर लेना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।